जाशे मरी चलो चला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह वालेकुम सलाम सर नाम दो सलाम सलाम की अंदर गाली मंगवा और तो ब्रेक में सुल्तान जी से अल्लाह से इंसान ने कुछ ये जी नाम में सारे नौजवान दोस्तों का मैं आपकी वजह में कल भी हाजिर था, गुजरे परसों भी आया था, इंशाल्लाह कल भी आऊंगा। आज बड़े लोग हैं उनको सुन लीजिए। मैं हिंदुस्तान या बाहर कहीं जाता हूँ तो मुझे लोग सुनने नहीं आते, देखने आते। सही बात है। मैं खूबसूरत सलमान खान, आमिर खान को मोहम्मद आमिर, वो भी हरियाणा का, हम लोगों को कहना कुछ नहीं आता, हम लोग सुनते हैं लेकिन लोग देखते हैं। आपके देखने की बात हो जाए तो मान करता हूँ, मेरे से का हुक्म होता था, मैं पहले नाराज हो जाता था, लोग मुझे सुनने नहीं आते थे। हजरत आपको बहुत सुनने आते, मुझे कोई सुनने नहीं आता। आपका सागर हूँ, 14 साल मदद से मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, फिर मैंने बीमार हूँ, मैं तो सेम होने वाला था, मुझे कोई सुनता नहीं है। मैंने भी हिंदी में कुरान हदीस पढ़ी है, काफी होते कमाने बनने हैं। इसने फरमाया है, आप हम लोगों को तस्कीन देते हैं, इनके दिलों को जो दर्द हुआ था संबान में उनको तस्कीन मिलती है, ये भी बात है। वो आपके लिए दुआ करेंगे, देखिए मकलूब बनेगा हमारा, इसलिए मैं हाजिर हूँ। दीदार के लिए जहमत तमाम वैसे तो सब माहौल था, मेरा बीपी लो हो गया है सालों से, यहाँ करके बिल्कुल डाउन चला गया। आज डेवी नाम सुना, लेकिन आपकी ये जो ईमानी हरारत देख करके इस मौसम में आप आए हैं तो मुझमें भी गर्मी आ गई। मैं भी बगैर चंद्र का बन के हाजिर हो गया हूँ, बगैर वक्त गवाएं मुझे चंद बातें आपसे अर्ज करनी है। आज के मौसम के ताल्लुक से एक मिनट की बात के मुझसे बात करती हूँ। तो मैंने सलाम कबूल किया, कहूंगा 6 बार 4 महीने के कपड़े के बाद जाना हुआ। मेरा शुरुआती तारुफ ये है कि मेरी तरबियत तबलीग जमात में मदरसे में पढ़ता रहा, उसके बाद हजरत ने फरमाए ये तो तरतीब को तरतीब लाने के लिए होती है, आप तरतीब पर चलने वाले थोड़ी, आप तो तकाजों में चलने वाले बने, मेरे तो यही दिली अर्जुन है। तो मैं हजरत ने फरमाया कि जहां से बड़ों ने काम शुरू किया लिया सर रंजूर जी, उसी इलाके में मेवात में जाके काम करता और कहा कि जब तक ना बुलाऊं जब तक नहीं आना। आखिर 2.5 साल बाद रमजान का महीना था, रमजान के महीने में आखिरी असरे में एहतिकाफ के लिए हजरत से इजाजत मांगी, इजाजत मिली, मैं एहतिकाफ के लिए हाजिर हो गया जमात के साथ। हजरत से थोड़ा सी गुजारिश की, हजरत 2.5 सालों के लिए बहुत मुझे मालूम है, घर वालों के फोन मुझे बहुत बार बार आते हैं, मेरे पास तो कोई फोन नहीं था, हजरत का नंबर घर पे सबके पास था, फोन करते थे कैसे जिंदा की है कि नहीं है। तो मैं चंद बातें आपके सामने आज करना चाहता हूँ। उसके बाद 2.5 साल बाद मुझे मेरी कारोबारी संस्था ने हैदराबाद भेज दिया। हैदराबाद 3 महीने तक लगातार हजरत अपने सफर में साथ रखते थे, मेरी कैफियात गुजरात सुनते रहे। तो मेरे जमाने में एक ही बात थी, हजरत 8 तफासिर पढ़ी मेरी हिंदी में, इतनी पूरा हदीस याद हो गई है, मैं तमाम बात हो गई है, मैं हिंदी में बात करता हूँ, अपने बिरादर वतन की बात जबान में बात करता हूँ, मुझे दावत के लिए कहीं भी भेज दिए। मैं बस गुजारिश ये थी कि मैं गैर ईमान वालों में दावत के काम के लिए कहीं मुंतखब करके भेज दिया जाए ताकि काम सही तौर पर शुरू किया जा सके। तो हजरत ने फरमाया आमिर ये काम किसी जबान का मौका
ये काम किसी जबान का, किसी इल्म का, किसी बड़ी शख्सियत का नाम का मोहताज नहीं है। अल्लाह जिसे काम लेता उसे काम हो जाता है, हुक्म पता होता है तो यह काम हो जाता है। तारीख और 10 साल की इस्लामी तारीख गवाह है कि उनके मुकाबले शायद इस्लाम की दावत बड़ी हो। मैं आपसे सब अल्फाज में बस यही बात कहूंगा कि मेरे बुजुर्गो भाइयों, मेरी तरबियत हुई तबलीग जमात में और जब मुझे इस्लाम समझने का मौका मिला, हजरत से बहुत लंबे सवाल करता था, हजरत ने कहा मरकजी मुक्तबा इस्लामिया दिल्ली चले जाओ, वहां से आपके सवालों को जाओ, जो जो सवाल आपके हैं फहरिस्त बना के लेके जाओ और वहां से टटोलते रहो, इंशाल्लाह ताला वहां बहुत एक मौजूद में बड़े बड़े किताबें मिलेंगी, किताबें मिलेंगी, उनका जमात इस्लामी की किताबें पढ़ने का मौका मिला, फिर और बिल्कुल हर मौजूद में बात करने का मौका मिला। उसके साथ जब हैदराबाद गया तो जमींदार वहाँ दावा के काम के लिए वही लोग मशहूर थे, जमात इस्लामी अपना काम कर रही थी, लेकिन हमारी मुलाकात ज्यादा उन लोगों से हुई। आज के मौजूद मकसूद से बात कर रहा हूँ, मेरी कारगुजारी भी है और मौजूद भी आ जाते हैं, तो जमीन पहले देश के जो जिम्मेदार है याद अच्छा मालावारी से उनके तरफ से हमें मेरा ट्रांसलेटर था, वो पहले देश भाई था अब्दुल्ला साले साहब, वो मेरा ड्राइवर भी, मेरा ट्रांसलेटर भी, और जहां मैं कुरान हदीस का हवाला भूल जाऊं उन हल्कों में, क्योंकि साउथ में एक बात होती है अगर कोई हवाला नहीं तो उसको काट देते हैं स्टेज से, तो मैं हवाला भूल जाता था, वो बता दे कुरान की कुरान की से बनाए ये कुरान की आयत है बनाए तुम सूरह नंबर आयत नंबर वो उनको अच्छा याद है। तो मैं आपसे आज ये करना चाहता हूँ भाई, मैं तो तीनों चार जगह घूम के आ गया, एक बात और रह गई, पहले सुन्नत वल जमात के काफी लोग मोहब्बत में बुलाते थे, इस्लाम कबूल करने वाला वो वापसी उसमें करने वाला इस मोहब्बत में जब से बुलाते थे, जो मेरी हालत होती मैं जानता हूँ, पानी शहर राजस्थान में वहां चला गया, मैंने फोन किया, यहाँ 33 मस्जिदें 33 मस्जिदों में लिखा हुआ है बात कि इस मस्जिद में वहां भी अहले हदीस जमात इस्लामी और तबलीग जमात वाले आने की जरूरत ना करे। जब ये लिख दिया मेरे साथ भी बैठ जाएगा पैजामा ऊंचा देकर, वैसे ही वहां पर आस्ती में चला लेते थे, तो वहां पर 33 मस्जिदें एक भी मस्जिद में ये इसके वगैरह बोर्ड नहीं था। तो मैंने फोन किया हैदराबाद में, हैदराबाद रहता था, उन्होंने मुझे सफर में बुलाया कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे हालात ऐसे हो जाए कि हमारे एक साथी के सर के इतनी मार पड़ी थी, सर में 24 टांके आए थे, तब उनकी खोपड़ी जमा हुई थी। मैंने लगा कि मेरे साथ ही वाक्य ना हो जाए, तो वहां के जिम्मेदारों ने फोन किया, वहां के जिम्मेदारों को भाई नो मुस्लिम है मोहम्मद आमिर को आया है उसका इस्तकबाल किया जाए, तो वहां के वकील साहब जिम्मेदार ने अपने घर पे बुलाया, तमाम मेरे समुद्र जमात के लोग बड़ी मोहब्बत से आए और बोलाए पाली साहब में पुरानी बदली बदली गलियां दोनों तरफ पार्टी खड़े, और मुझे जो ये जो बोतल होती है इधर की उससे तो मुझे रगड़ रगड़ के चमन उतारी है मेरी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो मोहब्बत का तरीका था हम लोगों का, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया इस्लाम पे कि ये मोहब्बत भरे लोग हैं, इनको अगर जरा से ठेस लगती है इसको कीड़े मकोड़े खाएंगे। मेरे बुजुर्ग भाइयों तमाम मकतब फिक्र के साथ मिलकर काम किया, हैदराबाद ऐसा शहर है जहाँ तमाम मकतब फिक्र के लोगों को स्टेज पर जमा करके वहाँ के नक्श मंदिर बड़े बुजुर्ग हैं सिलसिले के जमात के उनके जिम्मेदारों को रियाद साहब को और सिद्दीकी साहब को एक स्टेज पर जिस दिन बैठाया हैदराबाद के लोग असर कर रहे थे, कहा सक्सेस होगा ऐसे ही मौजूद पर आज आपने ये जलसा मुनक्कद किया है साहब ने। मैं चाहूंगा दिल की गहराइयों से कि ये दिल के फांसले जिन खत्म होने चाहिए। मैं एक बात और कर दूं, ओमान के गवर्नर साहब की आंख में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो चेन्नई में मद्रास में अपनी आंख का टेस्ट कराने के लिए, उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं आमिर से मिलना चाहता हूँ, तो बुला नहीं सकते उनको, यहाँ मीडिया में आगे तो मिलू, जाके देखा फजर की नमाज में वो इकामत कर रहे थे, मुसाफिर दो रकात पढ़ा नहीं, हम आपके पीछे पढ़ लेंगे। अब एकदम अल्लाह हु अकबर कह के हाथ बांधे नहीं, वो इरादे से हो गए। अब मैं बाद में तो देख रहा हूँ यार हाथ कहाँ बांधोगे, पहले तो समझ आता हूँ यहाँ बांधता हूँ अपने यहाँ बांधता हूँ, कहीं कुछ करना पड़ता है तो करूंगा करूँ क्या। लखनऊ के साहब तो उन्होंने भी इतनी बांधी थी, वो मेरे ड्राइवर थे, उन्होंने कहा कि हम लोग मुझ सकते हैं भाई, यहाँ हाथ छोड़ करके नमाज पढ़नी पड़ती है,
मैं वैसे ही नमाज पढ़ी, हमने आज यहाँ बांध के भी पढ़ी, वहां बांध के भी पढ़ी, भाई छोड़ के भी पढ़ी, अब मैं कैसा मुसलमान हूँ आप ही समझ लीजिए। लेकिन हर कोई मुसलमान मुझे चाहता है कि मेरा चेला बन जाए, मेरा चेला, मेरा चेला बन जाए, साकिल बन जाए, सिखाना चाहते हैं हम मुस्लिम है तो हमको ऐसे ही मवाद भी दे, उनको उनको हदीस और कुरान सुना सुना के पकाते हैं, कोई हमारा बाप बनता है, कोई हमारा भाई बनता है, कोई हमारा मम बनता है, दो वक्त दोस्त खिलाता है, लेकिन जवान होने की बात शादी की बारी आती है सब कुछ खिलाना चले जाते हैं। कोई कहता है इनका ईमान पक्का है कि नहीं, बड़ी शिकायत कर रहा हूं मुख्तलि, कोई कहता है इस मसलक का है तो लड़की इस मसलक में गुजारा नहीं होता की बात है। मेरी रोजाज बात इतनी सी कि आपने ये मसलक की मामले हैं इनको तो दूर रखिए, मसलक अमल के लिए दावत के लिए नहीं होते, मसलक अपने अमल के लिए, अपने 14 साल मतलब से पढ़ने वाले आदमी, बड़े बड़े उम्र काम की जुतियां सीधे करने वाला आदमी, पब्लिक जमात में वक्त लगा करके रात की तकारी सुनने वाला, रात भर बैठकर, अब तो मैं मेरे हजरत की एक बात कर दूं, मुंह में पान दबाकर रात भर 2-3 बजे तक पढ़ने वाला, उसके बाद अल्लाह कर लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है बुजुर्गों की सोबत से ये आदत नकल कर लेते हैं, 2 बजे तक रोज जाना मुश्किल मेरा पढ़ना होता है, इसलिए फोन की इजाजत नहीं होती, कोई भी 2 बजे तक फोन कर सकता है मेरे बुजुर्गों भाई। मैं अगर किताबों का जिक्र करूं इतना पढ़ लेने के बावजूद मुझे एक आदमी अपनी छोटी सी अनासी किताब की दावत देता है जिसके अंदर इख्तलाफात भरी हुई, कुरान इसका वाला नहीं, कुरान इसका वाला तो उसका साथी बनना पसंद करूंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कोई ना मुस्लिम आए उसको भटकाया मत करो, कितने लोग वापिस अपने घरों को चले गए। कुरनूल शहर है आंध्र प्रदेश का, वहां के एक साथ लाला जगदीश जी, उन्होंने इस्लाम शुरू किया, इस्लाम शुरू करने के बाद वो आज मोहम्मद भी जो जहां के नाम सुनी वो आज नमाज के लिए चले जाए, फिर उनके साथ हला दिया है, उन्होंने बहुत लोग उनकी वो तरफ में से या ये मुसलमान अच्छे नहीं वो मुसलमान अच्छे आकर उसने तिलक लगा के इतना लंबा बड़े धागे बांध के मेरे साथ आके कहा भाई मैं मुसलमान नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है मुसलमानों में भी बहुत सारी जाति होती है। मैं एक बात और कर दूं, मैं जिस बात से दुखी होकर इस्लाम कबूल किया था कि हमारे एक शायर ने कहा था सूरज तलते रोशनी, हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने धर्म के बारे में लिखा है, सूरज तलते रोशनी तजे काली महाराज, सूरज रोशनी देना बंद कर दे रात कालापन देना बंद कर, अंधेरा देना बंद कर दे, सूरज तलते रोशनी तजे काली महाराज, एक छोटा सा कूलर से घूम गया उसका यंत्र और घन तलते बरसात, ये बात संभव घन है बारिश बारिश बदलना बरसना बंद कर दे ये बात संभव हो सकती है, लेकिन हिंदू जात भेद छोड़ने की बात असंभव हो सकती है, नामुमकिन आदमी से क्या मुसलमान भी नामुमकिन में आ गए, कालेबाग पढ़ने वाले मुसलमानों क्या आप अपनी तफरी के लिए अपने मुख्तल फिकर के लिए अपनी जमात के लिए क्या आप लोग इख्तलाफात को दूर करके एक जगह जारी हो सकते। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप हिंदुओं की तरह ना बनिए, वरना तो वो लोग भी जिस तरह बिगड़े थे उनके पास भी कभी अच्छा सच्चा दिन होता था, वो लोग सनातन धर्म के मानने वाले लोग थे, बाद में आज जहां जिसमें कहा था एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नहीं नास्ति की जन वो ईश्वर एक है अल्लाह एक है 5 बार का कसम खाने का जबरा बराबर की दूसरा कोई नहीं है, इस सृष्टि को बनाने वाला कायनात को बनाने वाला केवल वो हमारा केवल मालिक है, ये कसम खाने वाले ये भरत सूत्र पढ़ने वाले भरत सूत्र का मतलब कलिमा पढ़ने वाले रोज लेने वाले कसम लेने वाले वो सनातन धर्म के लोग बात कर रहे हैं कहीं आप ना बिखर जाओ। मैं आपसे जल्दी समझा एक तो ये बात की दूसरी चीज ये कि कारगुजारी सुनने के लिए मैंने कारगुजारे की बहुत सारे प्रोग्राम्स में दी है उसमें वो वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब और गूगल से आ रहे हैं, मोहम्मद आमिर बलबीर सिंह डालेंगे तो गूगल महाराज का भला हो जाए उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे आपका टाइम चला जाएगा, आप कभी पढ़े तो वो भी देख सकते हैं। बस एक बात आपसे अर्ज करनी है कि अपनी मस्जिद को सही करने के लिए जब हम गए हमें मुतहद किया गया, जिस जमात का मुतहद किया उसमें एक तलाबात बहुत है, जात जात पर चलने वाली जमात जातों में जात चलने वाली है जमात ब्राह्मणों में कितने फिर आपको अंदाजा नहीं बताऊं तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, आप तो खुद ब्राह्मणों की कौन है से ताल्लुक रखते हैं अक्सर कश्मीर के लोग ब्राह्मण ही थे, आपने इस्लाम कौन किया है आप में भी भट है कोल है ये सारे के सारे सबसे मजेदार है और मैं ब्राह्मणों का सदा हुआ आदमी हूँ ब्राह्मण धर्म का सदा हुआ आदमी हूँ, आज आपके सामने खुलासा करता हूँ आप ब्राह्मणिज्म छोड़ दीजिए ये इस्लाम पकड़ लीजिए मुसलमान ईमान वाले बच्चे इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे बाहर रह करके कभी मैं कौन हूँ मैं भला हूँ ये छोड़ दीजिए। मैं 2-3 बातें आपके करूंगा
मेरे शेखा से मौलाना कीम सिद्दीकी साहब ने कभी मुझे इख्तलाफात नहीं सिखाए, सिखाए होते तो आज आपके बीच में। दूसरी चीज, जब मुझे मेरा दिल नरम हो सकता है, मैं सख्त दिल का आदमी, हम राजपूत कम्युनिटी के लोगों में कमजोरी एक होती है, जो एक बार पकड़ ली बात उसको छोड़ देगी। फिर भी हमने लंबी इख्तियार की ये बात, क्योंकि एक बात को अगर ज्यादा गहराई से बात कर दिया जाए तो नुकसान हो जाता है। तो मैं किसी बात को पकड़ता था, पढ़ता था, तो उसके अंदर कुछ दूसरे पहलू भी होते थे, मसले मसाइल होते थे। आज सोचते हैं हम पूरे वक्त उसी मसाइल में घुसे। आखिर बात ये बात आई कि मेरे खानदान के लोगों को इस्लाम की जरूरत थी, उनको दावत दी, उनको दावत देने के बाद मेरे और दोस्तों की जरूरत थी, उनको दावत दी, दावत देते देते ये मामला ये आ गया। मैं आपके सामने बात ये करना चाहता हूँ, इस्लाम देने की वजह से मुझ पर कोई केस नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा फितना नहीं हुआ। इस्लाम ना देने से जिन लोगों से मैंने दूरी कर की, डरता रहा, कभी ऐसा ना जवाब दे जो मुझे नुकसान हुआ, जिनको दावत ही उन्होंने कभी नुकसान नहीं किया। मैं आपसे वजाहत के साथ इस बात को कहता हूँ, मेरे बुजुर्ग भाइयों आपसे गुजारिश है कि बड़ी शख्सियत जब आती उनका इस्तेमाल हासिल किया गया। कश्मीर में भी वही प्रॉब्लम है, तमिलनाडु में वही प्रॉब्लम है। जब कोई बुजुर्ग आ जाता ना, उसको वीसा इधर भगाएंगे उधर भगाएंगे, आप ही सोचेंगे स्टेज पर सारी चीजों को जमा कर देते हैं। समुद्र पूजे में कभी कभी आता है, आपसे गुजारिश है कि बड़े लोग आए उनकी बात रखी जाए। अभी इमाना इनाम तकसीम होंगे, जो ना दस्तारबंदी होनी है, उसके बाद मौलाना की तकरीर होगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोबारा फिर हाजिर होऊंगा आपके यहाँ, जब आपके यहाँ थोड़ी सर्दी कम हो जाए, और जब ज्यादा सर्दी हो जाए तो एक गर्म गाड़ी हीटर वाली गाड़ी का इंतजाम हो जाएगा, तो अंदर सीढ़ी का इंतजाम हो जाएगा, तो फिर आऊंगा आपके बीच में। जहां जहां इलाकों में जहां हम जाएंगे वहां पर लोग कहेंगे इस्लाम की दावत देना हर फर्ज पर फर्ज ऐन है, फर्ज किफाय नहीं है, ये बात समझाएंगे। मेरा नाम लेकर के बाबरी मस्जिद से करने वालों की बात पड़ गया, आपकी असर आएगा, जमा कर लो, जमा करके उनको दाई बना दो, दावत दे दो, फिर सारा काम हो जाएगा, मेरा भी बोनस जमा हो जाएगा, मैं अपने बोनस के लिए हाजिर होऊंगा। मैं आज अपने आप के लिए दावत के लिए तैयार हूँ, मैं खूब आऊंगा, और दोबारा जब भी कभी बुलाएंगे सबको हुक्म होगा, सर के बल चल के आऊंगा और हाजिर होकर के बाबरी मस्जिद पर हम लोग भीड़ की शक्ल में गए, उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं गिराई। मैं भीड़ का सरदार जरूर था, जिम्मेदार जरूर था, उसकी अगुवाई जरूर कर रहा था, लेकिन उसके लिए अलग टीम थी। बस इतनी बात कहना काफी रहेगा। दूसरा वजह यह है कि दिसंबर के महीने तक ये कार्रवाई टाल दी गई छुट्टी। अब मैं हिंदुस्तान के इससे हैदराबाद में रहता हूँ, मैंने एक मेरे से ताकीद पर मैंने कहा कि मैं कानून से बाहर दायरे में नहीं सकती, क्योंकि बाबरी मस्जिद की सुनवाई का मामला हियरिंग बार बार जब आती है तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, वरना मुझे आपके मीर भाई साहब की तरफ नजरबंद ना कर लिया जाए। अगर मुझे खुले रहना चाहते हैं तो देखना चाहते हैं बाबुल उलूम से मुझे हैदराबाद भी जाना है, फोटो का स्वागत है। चलिए तब आप बटन खोलते मैं भी चैन खोल के बैठा हूँ भाई के साथ, जरा खोल के कुछ जुमले बता दीजिए, घबराइए माता। मैं बाबरी की छत पे गया तो वहाँ मुझे इसलिए चढ़ाया गया था कि 5 सुबह में हुकूमत खास लोगों की आ गई थी, हरियाणा बस गया था, हरियाणा को आगे लाने के लिए एक आदमी तो बल्कि कुर्बानी देनी थी, उस कुर्बानी के लिए नाम आ गया बलबीर सिंह का। बलबीर सिंह को राजपूत था, हरियाणा का था, जहाँ कम्युनिटी के लोग लाभ हासिल जो भी कही जाती है हमारी उस महसूसी में जो जमात के लोग थे, उन्होंने कहा कि ये तो सीएम है के तो लोग बटे हुए हैं, राजपूतों में कोई नेता नहीं हुआ, मेरे नाना जी एक जमाने में निश्चित रहे हैं, उनका नाम नागिन शाह था, जिस खानदान में मेरी शादी हुई थी वो लोग भी बड़े अफसरान थे, तो इसलिए मुझे उस खानदान के आदमी और सन 78 से चड्डी पहनता था, मतलब नैकर पड़ी थी, नैकर पड़ता उस जमात में शामिल हुआ था। वो ट्रेनिंग मेरे पास थी, ट्रेनिंग का फायदा ये लेकर के भाई इस जमात का आदमी है हमारे सामने आएगा, इसलिए आगे लेकर के मुझे उस तहरीक ने आगे किया। जब आगे बढ़ना चढ़ा तो भाई पीछे भीड़ थी, नारे लगा रहे थे, और हमें बड़ी एहतराम था कि ये मुसलमानों की पाक की बात गाय है और ये अल्लाह का घर, हम ये मुसलमानों की बात गाय, तो जो युद्ध पुरुष में जैसे चढ़ना था चढ़ गए, ऊपर जाके नारे लगा रहे थे, लेकिन दिल में डर पैदा हो गया। मुझे
लग रहा था कि ज्यादा लोगों की भीड़ है ना, जैसे नया नया कोई मुंबई लोग खड़ा होकर काम जाता है, कभी कभी हमारे मौलाना यहाँ ऐसा लगता है ये शेर भूल रहता है, भूल जाते हैं। मुझे तो याद नहीं रहता मेरी यादाश्त कमजोर है, शेर भूल जाते हैं, सुबह से देख रहे हैं उनको झेल रहे हैं, ये शेर भूल जाते हैं। जब नया नया मुकर होता तो उसके भी पीढ़ियां कांपती है, सिस्टम थरथराता है। मुझे लगा ज्यादा लोग देख रहे हैं इसलिए, पहले 250 लोगों से ज्यादा हमारा जलसा होता नहीं था, उस दिन तो 5-4 लाख लोग देख रहे थे। वो अपनी आंखों क्या की इतनी भीड़ के आगे कैसे चढ़ू, आगे टायर को नारा लगाऊ, अब मैं नारा तो लगाऊ सो लगाऊ। पहले तो वो मस्जिद सीधी है दीवार के, वो गुम्बद पे चढ़ने के टाइम वैसे ही हाथ पैर काम रहे हैं, कैसे तो उसके ऊपर गुम्बद ऐसा गोल होता ना, पहले बाहर निकला हुआ उसके ऊपर जाना, वो सब तो जिसके ऊपर बीती है तो सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, बात मेरे ऊपर बीती नहीं जान रहा हूँ। जान बचाने की जान की बाजी लगती है ना, तब उस आदमी के साथ क्या होता है, जब ऊपर चढ़ रहा हूँ उधर तो जिसमें मैं से कांप रहा है, फिर दूसरी वजह से कांप रहा है, ऊपर चढ़ गया और फिर उधार उठाई फिर इशारा दिया। एक बीच में पीले कलर का हेलीकॉप्टर आया था, सब हेलीकॉप्टर बोलते हैं आपके रिकॉर्ड में नहीं है, आप लोगों को ये बातें कोई नहीं बताते। पीले कलर का हेलीकॉप्टर आया, मैं सोचा ले हो गया काम, हमें कहा गया कोई फोर्स नहीं आएगी यहाँ तो पी एस लेके, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, ये कहीं गोली ना, ये तो गोली चलाएंगे ना, आसमान से गोली बरसेंगे। पर मैं बिल्कुल बोलने की हालत में भी तिहाई पर हूँ, जब मानने की हालत में उस हालत में सोचिए कितना डर कितना कोप कितनी टेंशन होती रही होगी, वो टेंशन वाली बात मैं सुन रहे हैं। ऊपर चढ़ गए वो बीच में पकड़ कर वो, क्योंकि रस्सी थोड़ी सी लटकी थी, आपको पता वैसे तो कोई चढ़ नहीं सकता, रस्सी बंधी थी, रस्सी के सारे चढ़ गए, उसको बीच में पकड़ के नारा लगा दिया बात, और लेकिन नारा लगा के दिल घबरा रहा था, फिर इशारा हो कि इस पर घूम पर पैक करो ताकि ये भीड़ जो है ना वो भी आपके साथ हो जाए, भीड़ का मामला हो जाए। मैं मिला 12 बजकर करीबन 11:40 पर हम ऊपर चढ़े थे, 12:20 तक ये अंजाम हुआ, मुझे अंदाज है क्योंकि घड़ी देखने का टाइम था ना उस टाइम, तो भीषण काम रहा था, घड़ी होते हुए घड़ी भी देख पाया था बिल्कुल, 11:40 से 11:20 के बीच का टाइम है। और हम लोग जब भेज गए तो फिर जब खुदा लगाई तो आज मुजबिला देखो अल्लाह के घर के जो चीज आ रही है खुदा लगाई तो ये तो एहसास में गलत कुछ हो रहा है, जिसमें अपने आप की बात है जहन में कि गलत कुछ हो रहा है, तेरी मौत हो गई यहां से लेते तो क्या दे देगी, ये बात तो ये। दूसरा ये भी तो किसी का धर्म मानने वाले लोग हैं, जैसे मौलाना बता रहे थे 4 किस्म के मुसलमान है, हम लिबरल किसी के किस्म के हिंदू कहे जाते मुसलमान, ये ख्याल मेरे दिमाग में आया कि ये भी तो किसी मजहब को दीन को मानने वाले, इनको क्यों तकलीफ दी, इंसानियत दागती है। उसके आगे की बात आ गई कि जब मैं पहली खुदा लगाई चुके हैं, अब इसकी आगे की कार्य हो जाएगी आप यूट्यूब पे देखेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा मिलेगा मोहम्मद अहमद बल्बी सिंह ने, मैं गुजारिश करूंगा गुजरात से कि बहुत शुक्रिया।